जिले के नागौद कस्बे में कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए 3 लोगों की बलि चढ़ गई। दरअसल गांव में एक सार्वजनिक कुएं में अचानक एक गाय गिर जाती है और उसे बचाने 4 लोग कुएं में जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 लोगों की कुएं के पानी में डूबने से मौत हो जाती है, तो वहीं एक व्यक्ति और गाय सकुशल बच जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी ग्राम में एक बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के ही निवासी दद्दा दहयात नामक व्यक्ति की गाय अचानक सार्वजनिक कुएं में गिर जाती है। गाय को गिरता देख ग्रामीणों ने जब हल्ला गुहार मचाया तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद ही गाय को बचाने के लिए ग्रामीणों ने रस्सी, बांस की बल्ली जैसे अन्य चीजों की व्यवस्था कर ली। इसके बाद गाय को कुएं से बाहर निकालने के लिए गांव के ही निवासी रंजीत दहयात सबसे पहले कुएं में उतर जाता है। उसके बाद अशोक सिंह उम्र 53 वर्ष वह भी कुएं में उतर जाता है। वहीं राम रतन दहयात उम्र 22 वर्ष और विष्णु दहयात 25 वर्ष कुएं में उतर गया गाय को बचाने में जुट जाते हैं। चूंकि कुएं में पानी भरा हुआ था और वह काफी गहरा भी था, कुएं के अंदर से रंजीत को रस्सी के सहारे ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया और इसके बाद अशोक, विष्णु और राम रतन यह 3 लोग गाय को बाहर निकालने में मदद करने लगे। गाय सकुशल कुएं से बाहर निकल आती है और इसके साथ ही रंजीत पहले ही सकुशल बाहर आ चुका था। इसके बाद कुएं के अंदर पानी में उतरे अशोक सिंह, राम रतन दहयात और विष्णु दहयात कुएं के गहरे पानी के बीच फंस जाते हैं और जब तक उन्हें बाहर निकलते तब तक वह कुछ देर बहुत देर हो चुकी थी, देर रात तक समय था। ऐसे में अन्य संसाधन मिल पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से 3 लोगों को कुएं के अंदर ही अपनी जान गंवानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने नागौद थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नागौद पुलिस द्वारा चैन माउंटेन JCB मशीन को मंगाया गया, जिसके सहारे 3 लोगों को अचेत अवस्था में कुएं से बाहर निकाला गया। आनन फानन में 3 लोगों को उपचार हेतु नागौद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद उमरी गांव के पूरे इलाके में मातम पसर गया, जहां एक गाय को बचाने के चक्कर में 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में यह घटना पूरे गांव के लिए एक चर्चा का विषय बन चुकी है। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों को बचाने का कार्य करना चाहिए, वरना उसका परिणाम कुछ और भी हो सकता है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। मशीन कुछ बोलावा कैसे छूना होई मशीन बोलवा दिया मशीन कुछ बोलावा। ग्रामीणों की मौत होगी, क्या मामला है? ये नागौद के पास ही उमरी गांव है, वहाँ एक कुएं में गाय के गिरने की खबर और उनको निकालने के लिए 3 ग्रामीणों के अंदर घुसने और फिर वापस न निकलने की खबर हमें भी मिली थी, जिस पर मैं मौके में गया। TI मेरे से पहले पूछ चुके थे और वो वहाँ पर चैन माउंट मशीन बुलवा करके और रेस्क्यू का जुगाड़ करके उन 3 लोगों को निकाला गया। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में आने पर जो है डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि ये पानी में ही डूबने से इनकी डेथ हो चुकी है। 2 और लोग थे? नहीं, 2 और 2 नहीं, एक ही आदमी और थे, जो इसका नाम जो है वो रंजीत दाहिया है। वो थोड़ा सा बुमटिंग वगैरह हुई है, पर उनका चेकअप करने के बाद स्थिति उनकी ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर,
रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966936257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा,